बोलेंगे क्या एक्शन होना चाहिए। सत्ताईस जुलाई को दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। बेसमेंट में पानी भरने की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। मरने वालों में 2 छात्राएं और 1 छात्र है, जिनकी पहचान श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन डेलविन के रूप में हुई है। इस मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले ये छात्र दिल्ली में IAS बनने का सपना लेकर आए थे। इन्होंने और इनके परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि राजधानी में इस तरह बड़ी लापरवाही के चलते ये हादसे का शिकार हो जाएंगे। मरने वालों में एक नेविन डेलविन नाम का छात्र था, जो बीते 8 महीनों से UPSC की तैयारी कर रहा था। वो दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा था। नेविन पटेल नगर में रहता था और सुबह करीब 10 बजे लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आया था। इसके अलावा मरने वालों में एक तानिया सोनी भी हैं, जो तेलंगाना के सिकंदराबाद की रहने वाली हैं। तानिया के परिवार वाले बिहार के मूल निवासी हैं, इसलिए उसके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बिहार के औरंगाबाद लाया जाएगा। आपको कब पता चला घटना के बारे में, कैसे पता चला गया? तानिया के परिवार में कौन कौन है और कब वो राजेंद्र? मैं आज सुबह मेरे पास खबर आया था, घर परिवार से ही आया था कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, तो मैं सुबह आया था यहाँ पर। अब तो तानिया की बॉडी यहाँ से जा चुकी है और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो किसी को लेनी है। प्रशासन हो, MCD हो, सरकार हो या पुलिस हो, किसी 3 बच्चे की जान जाना ये बहुत ही दुखदायक है। अब जिस पेरेंट्स पे बीत रही होगी वही जान सकते हैं, बट मेरे को लगता है ऐसा कि मैनेजमेंट पे तो कठोर से कठोर कार्रवाई और राजेंद्र नगर में जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सब पे जांच होनी चाहिए कि किस। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जो बेसमेंट में जहाँ पे ये हादसा हुआ उसके उनका परमिशन ही नहीं था, उसका परमिशन एक स्टोरेज के था, लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी चल रहा है। तो ये तो जिम्मेदारी किसी जो जिस MCD वाले ने जिसने भी इसको अप्रूवल दिया है उन पे भी ये कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा यही मांग है। बहुत शर्मिंदा हूँ और बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि जो लड़की सिस्टम बदलने के लिए पढ़ाई कर रही थी, जो सिस्टम में जाके वो सिस्टम बदलना चाह रही थी, आज वो उसी एक सिस्टम का शिकार हो गई, जिसकी कार्रवाई आज तक न किसी ने नहीं की। नाले साफ नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो सब तो आपको सिस्टम को देखना पड़ेगा और कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। बस मैम ये मैम MCD जिम्मेदार है, राव इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है, यही 2 लोग जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है कि अगर वहाँ पे इंस्टीट्यूट चल रहा था तो उसके कागज की देख रेख कौन कर रहा था? जो कर रहा था वो जिम्मेदार है, जिसने अथॉरिटी लेटर पास किया वो जिम्मेदार है। इसके अलावा जिन छात्रों की मौत हुई उनमें 25 साल की श्रेया यादव भी हैं, जो UP के अंबेडकर नगर की रहने वाली हैं। श्रेया ने जून जुलाई में ही कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था। श्रेया के रिश्तेदार उसे भावी IAS के रूप में देख रहे थे, जो सपना अब हमेशा के लिए टूट चुका है। जैसे ही श्रेया की मौत की खबर उनके घर पर पहुंची, गांव में मातम पसर गया। कल ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ है उसमें 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। श्रेया के परिवार जो है इस वक्त पहुंचा हुआ है RML अस्पताल, पोस्टमार्टम होना है। धर्मेंद्र जी, अभी क्या बताया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से, पोस्टमार्टम में देरी क्यों हो रही है? मैं रात यहाँ 2:30 बजे से हूँ कल, और ये रात में बताया गया था कि सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आयु साहब आ जाएंगे। और अभी आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, और जब शुरू हो जाएगी उसके बाद का जो समय लगेगा तो मुझे जानकारी उसकी है नहीं। अगर बात करें श्रेया के मम्मी पापा की, तो अभी वो क्या अम्बेडकर नगर में की आएंगे यहाँ पर? वो सभी लोग अम्बेडकर नगर में हैं, क्योंकि हमारा पैतृक गांव अम्बेडकर नगर है, तो हमें वहीं जाना है बाद में, तो इसलिए वो लोग नहीं आएंगे, मैं ही लेके जाऊंगा। इस बात की जानकारी कब लगी कि इस तरह की घटना हुई है? क्या आपकी बात हुई थी श्रेया से? नहीं, मेरी श्रेया से इस घटना के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। रात में 12 बजे न्यूज देख रहा था और उस न्यूज में मुझे पता चला कि ऐसी घटना हो गई है। फिर मैंने श्रेया को फोन मिलाया तो उसका फोन बंद आ रहा था। फिर जब फोन बंद हुआ तो मुझे डाउट हुआ, और कोचिंग चूंकि मैं आया हुआ था, मैं बेसमेंट वगैरह देखा था, तो विजुअल देखकर मुझे लगा कि शायद वही कोचिंग है। फिर मैंने कोचिंग में अप्रोच किया तो एक लोग ने फोन नहीं उठाया, दूसरे ने उठा लिया, और उनसे मैंने पूछा कि ये जो घटना हुई है क्या आपके उसी सेंटर की जहाँ मैंने एडमिशन कराया था? तो बोले हाँ सर वही है। तो मैंने कहा कि जो 3 कैजुअलिटी हुई है उसमें मेरी भतीजी तो नहीं है श्रेया?
तो बोले अभी ऐसे पहचान में नहीं आ रहा है, जैसे पता चलेगा हम आपको बताएंगे। फिर अभी तक कोई भी आदमी कोचिंग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मुझे ये अप्रोच नहीं करके बताया कि ये घटना आपके साथ हुई है, आपके भतीजे के साथ ऐसा हुआ है। ये लापरवाही एक तरह से प्रशासन की भी है और आपके सर इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें आपने अपनी बच्ची को गवा दिया, आप जिम्मेदार किसको मानते हैं और आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? देखिए सबसे पहली जिम्मेदारी तो जो कोचिंग संचालक है उनकी होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम, पानी कहाँ से जाएगा, एग्जिट कहाँ से होगा, एंट्री कहाँ से होगी, ये सारी चीज़ें तय करना उनका काम है। बाकी जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो अपना चेक करेगी। तो हम तो ये मांग करते हैं कि जो कोचिंग के संचालक हैं सबसे पहले उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और हम जैसा बाप को भी पीड़ित ना हो। सर अगर बात करें तो श्रेया के माँ बाप का क्या कहना है इस विषय में? क्या श्रेया के अगर बात करें फैमिली से जो है किस क्या काम करते थे और किस कितनी मुश्किलों के बाद उसका एडमिशन कराया गया था, क्या सिचुएशन थी परिवार की? देखिए हर माँ बाप के लिए जो बच्चे होते हैं वो उनके जिगर के टुकड़े होते हैं, और ऐसी स्थिति में उनसे कुछ पूछ पाना बोल पाना भी संभव नहीं है। अभी वो कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है आज की डेट में। अगर बात करें तो आप लोग चाहते हैं कि हत्या का जो आरोप है वो लगाया जाना चाहिए, FIR दर्ज। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा निश्चित रूप से बनता है, अगर भारत की न्याय प्रक्रिया आप समझती होंगी तो उसमें ये जरूर बनता है। चार बच्चों की मौत हुई है और उसका सीधा सीधा जिम्मेवार कोचिंग संचालक है और कोई नहीं। राजधानी के राजेंद्र नगर में हुई इस घटना की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं कोचिंग में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। किसी ने भी आके, कोई हायर ऑफिशियल आके, किसी ने भी हायर अथॉरिटी ने हमसे एक बार भी बात नहीं करी। डेथ टोल तक नहीं हमें कंफर्म करा गया। हमें एक्सपेक्टेशन है कि डेथ टोल में भी इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत दो तीन लोगों की न्यूज अभी फ्रेंड्स सर्कल में आ रही है कि अभी तक मिसिंग है, तो अभी पता नहीं चल रहा। हमें एक्सपेक्टेशन अब ये लग रहा है कि डेथ टोल और हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे बैरिगेटिंग कर रखी थी जब रेस्क्यू चल रहा था NDRF का, तो कोई भी वहाँ जा नहीं सकता था, तो किसी को मतलब कुछ नहीं पता। जो हमें पुलिस ने बताया है हम मतलब वही मान रहे हैं अभी तो। ये एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया है। तीन ने यहाँ पे करीबन 20 से 25 लोग स्टूडेंट इसमें नीचे गए हुए हैं जिनका अभी तो कोई पता नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ उनके घर वालों को पता नहीं इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है। ये जो कोचिंग सेंटर है राव IAS, उसने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया है, उनके घर वालों को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं, हमें इसकी भी अभी कोई नॉलेज नहीं है। सबसे दूसरी बड़ी बात, राव IAS का कोचिंग जो भी ऑफिशियल है, जो भी हेड है, उसने आके अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया इसके रिगार्डिंग कि ये क्या करना है, हमें क्या स्टेप लेना है। MCD यहाँ पे कोई इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही है कुछ भी, कोई भी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे आई है गवर्नमेंट, उसने भी अभी तक किसी बच्चे से आके किसी तरह से, यहाँ स्टूडेंट है जो कि अभी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, उनसे आके कोई बात नहीं की है। मृतक छात्रों के परिजनों का कहना है कि जो भी इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार है उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो और बेकसूर लोगों की इस तरह जान ना जाए। बहरहाल इस हादसे के बाद MCD सवालों के घेरे में है। MCD पर आपका कब्जा है, इसीलिए केजरीवाल सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।